जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के मध्य प्रदेश से मैं अनिल सोले, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। छत्रपति साहू जी महाराज की अभी जयंती पुण्यतिथि गई, उनको अभिवादन करते हुए, क्योंकि इस देश के अंदर आरक्षण के दाता, बहुजनों को आरक्षण अगर देने वाले अगर सबसे बड़े पहले राजा अगर रहे तो छत्रपति साहू जी महाराज है, जिन्होंने 1902 में अपने राज्य में 52% OBC को आरक्षण दिया था। उस समय जो उस आरक्षण की व्यवस्था का बाबा अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा अम्बेडकर ने संविधान में वो आरक्षण की व्यवस्था डाली। जब बाबा अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो सबसे पहला आर्टिकल OBC के लिखा 340, SC के लिए लिखा 341 और आदिवासी के लिए लिखा 342। तो ये बाबा अम्बेडकर ने तमाम व्यवस्था करी। और जब ये कमीशन नहीं बना तो बाबा अम्बेडकर ने OBC के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तमाम अगर हम ये चर्चा करें तो बाबा अम्बेडकर ने काफ़ी संघर्ष किया, तब भी संघर्ष किया था और दिलाने तक संघर्ष किया। और इस OBC को आरक्षण मिले, मंडल कमीशन लागू हो, इसके लिए मान्य और कांशीराम साहब ने पूरे देश भर में 400 रैली आयोजित करी और मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सियाँ खाली करो, तब जाके 1992 में OBC को आरक्षण मिला। लेकिन अगर हम ये देखा जाए, आज मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो नगरी चुनाव के अंदर OBC का आरक्षण खत्म हो गया है और जिस प्रकार से जो डिसीजन आया, फिर भी OBC इस मुद्दे पर कहाँ तक जागरूक हो पाया, क्या समझ रहा है, कितनी आवाज़ उठा पाएगा इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ में भारत मुक्ति मोर्चा के वामनराव ससानी जी है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि OBC आरक्षण के लिए जिम्मेदार कौन है? विशेष करके मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दे उसके ऊपर बहस छेड़ी है। जहाँ तक OBC आरक्षण का सवाल है, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे OBC बांधव जो है वो जागृत नहीं है। जागृत न होने के कारण उनको आरक्षण का महत्व समझ में नहीं आता। आज मध्य प्रदेश में निकाय स्तर के, पंचायत स्तर के जो चुनाव है उसमें आरक्षण की चर्चा होने से या आरक्षण पर रोक लगाने से OBC में एक जागरूकता आ रही है। ये जागरूकता बहुत पहले आ जाना चाहिए थी, क्योंकि जहाँ विधायक बनता है वहाँ पर विधायक चुन के जाना चाहिए, जहाँ सांसद में कानून पारित होता है वहाँ सांसद पहुँचना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में SC को ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण नहीं है। वही संसद के चुनाव में SC ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण नहीं है। OBC को जहाँ नियम कानून कायदा बनता है, जहाँ आपके विकास के निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं पहुँचता है, वहाँ पर आप आरक्षण की आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो निश्चित है आपको वो लोग वहाँ पर भी आरक्षण नहीं देना चाहते, यहाँ पर क्यों देंगे? इसके लिए OBC ने जागरूक होकर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की धारा 340 लिखने पर OBC को अपने अस्तित्व की जानी कर दी थी, एहसास करा दिया था कि आप OBC हो। लेकिन OBC खुद को OBC एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो मराठी में कहते कि मागासवर्गीय आहत, हमें कशाला मागासवर्गीय शिव करूँ, पिछड़े नहीं हम, पिछड़े तो वो अनुसूचित जाति के लोग, हरिजन लोग हैं। ये जो बात है, कहीं से कहीं तक बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को पिछड़ा नहीं कहा है, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग कहा है। पिछड़ा कौन है ये पिछड़ा नहीं समझ लेना चाहिए, और पिछड़ा किसकी वजह से है ये भी समझ लेना चाहिए। पिछड़ा होने के कारण उसका सामाजिक नुकसान क्या हुआ, उसका आर्थिक नुकसान क्या हुआ, उसका शैक्षणिक नुकसान क्या हुआ, इन सब बातों को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मूल निवासी यहाँ का OBC है। और राजा होने के बाद में, राजा होने के बावजूद भी मजदूर के जैसा, मजबूर के जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। जो थोड़े बहुत मेरे भाई लोग हैं OBC के, थोड़ी बहुत जमीन जुमला उनके पास में, वो खुद को बड़े संपन्न समझते हैं, सम्रांत समझते हैं, और वो नहीं चाहते कि इस पचड़े में पड़े। ये उनको मालूम नहीं कि यह मुद्दा कितने करोड़ लोगों का है जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित करके रखा है। बाबा साहब ने संविधान में जब 140 कलम लिखा तो उसमें निश्चित रूप से
उनके तरफ पहले अपना ध्यान केंद्रित किया कि ओबीसी का विकास हुआ तो इस देश का विकास होगा, ओबीसी कमजोर रहा तो देश विकास नहीं कर पाएगा। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होने के बाद में यहाँ की कांग्रेस की सरकार होने दो, यहाँ की बीजेपी की सरकार होने दो, कोई भी सरकार नहीं चाहते कि यह मुद्दे को सही ढंग से उठाया जाए और ओबीसी को उनका हक दिया जाए। साथियों, मैं इतना ही कहकर मेरे दो शब्दों को एक संकल्पना मैंने दे दी, निश्चित रूप से ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पक्ष में मैं हूँ। सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानोगे फिर? इसके लिए जिम्मेदार मैं ओबीसी समाज के वर्ग को लोग मानूंगा, क्योंकि वही लोग जागरूक नहीं, वही लोग नहीं चाह रहे कि उनको हक अधिकार मिले। वो लोग तो हे दृष्टिकोण से देखते ओबीसी के अधिकारों को, ये कशाला पाहिजे मला, एखाद्या वेळेस ती ब्राह्मणाने कसं सोहळं करतात, ए मला शिव नको, ऐसा वो ओबीसी में अपने दिमाग में भर के रखा है। ये भ्रामक कल्पना की वजह से ओबीसी को अपना हक अधिकार नहीं मिल गया। जो राजा बनना चाहिए 52%, वो 27% पर अटका हुआ है। 52% जिनको अधिकार चाहिए वो 27% के लिए झगड़ रहा है, वो 27% भी उनको दे नहीं रहे। कहाँ अधिकार चाहिए, कहाँ राजा बनना चाहिए, ये ओबीसी को समझ में नहीं आता। वो तो उसके दिमाग में, उसकी मानसिकता पर पूरी दिमाग के ऊपर कब्जा, कौन सी संस्कृति का है मुझे पता नहीं। जब तक उसके दिमाग पर भारतीय संस्कृति, संविधान की संस्कृति का प्रवेश नहीं होगा, निश्चित रूप से उसका उद्धार होने वाला नहीं है। ये त्रिकालावादी सत्य है। सही कहा अमनदास सुसानी जी की, ओबीसी ही ओबीसी के आरक्षण का जिम्मेदार है, क्योंकि ओबीसी ने संविधानिक अधिकारों के लिए कभी लड़ाई लड़ी नहीं। वो लड़ा राम मंदिर के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ा, तमाम ट्रस्ट बना तो उसमें भी ओबीसी को नहीं रखा, तमाम वो लड़ाई नहीं संविधानिक अधिकार। तो ओबीसी ही ओबीसी के आरक्षण का जिम्मेदार है ये कहा। हमारे साथ में संभाजी ब्रिगेड के हैं प्रमोद माजी सर, क्या कहना चाहिए, कौन जिम्मेदार है सर? जय जी जाऊ, आरक्षण यह जो विषय है, यह विषय ही पहले पिछड़ों के समझ में ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, क्या बात है, पिछड़ों के समझ में आता था तो ये अवस्था हमारी होती ही नहीं थी। आज 90% तो ओबीसी लोग लोकसभा और विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। दुखद बात देखो कितनी है, आज नेतृत्व कर रहे हैं हर कोई इसके अंदर से, समाज में से ओबीसी के लोग ही कर रहे हैं ना, विधायक हो, खासदार हो, हमारा झेड़पी का अध्यक्ष हो, पंचायत समिति का ये हो, 52% लोगों में से इनको वो आदमी भेजना है। SC ST का जो कोटा है वो तो उनके बाप को भेजना है, क्योंकि आवश्यक है। दिक्कत क्या है कि हर ओबीसी ने अपनी अपनी पार्टी का सील अपने पीछे लगा लिया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है वो अपनी जाति भूल गया, क्या बात, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और वैचारिक माध्यम जो है पिछड़ों का, उसने उससे अपना संबंध ही तोड़ डाला। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आज हर पक्ष के अंदर पिछड़ा है। आज तक के जनगणना नहीं हुई, फिर भी परसों तक के आरक्षण लग रहा था, आज ही क्या गरज पड़ गई कि हमको जनगणना चाहिए भाई? जनगणना 1931 वाली थी, उसके बाद में एक बार हुई, वो आंकड़ा भी नहीं आया। 31 के आधार पर अगर आज तक के हमको आरक्षण मिल रहा है तो आगे भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका इनका संगन मत हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है हमारे लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये आपस में वो कुश्ती खेल रहे, नूरा कुश्ती और हमको घुमा रहे। सबसे दिक्कत यह है हमारी, और कार्यपालिका और न्यायपालिका पक्षों के बजाय मनुवादियों के अंडर में काम कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है पिछड़ों का? ये पार्टियाँ तो बहुत बच्ची है, ये खिलौने हैं मनुवादियों के विचारों के। शाहू महाराज का जब पहला आरक्षण दिया गया था, तिलक, रानडे और गोखले ये हरामखोर लंदन के कोर्ट तक के गए थे, तब ब्रिटिश राज्य था, तो ये आरक्षण के विरोध के अंदर लंदन के कोर्ट तक के गए थे। शाहू महाराज वहां पे भी जीते, तो ये तो कल के ये सरकार बोले तो कोई सरकार है क्या? दिक्कत यही है कि हनुमान जी को जैसा बताया गया कि तेरे में बहुत शक्ति है, उसको याद दिलाना पड़ती है, तो वही याद दिलाने का काम अब हमको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है,
अभी तक के तो मैं पर्टिकुलरली मराठा समाज की बात कर लूँ तो मराठा अपने आप को पिछड़ा समझता ही नहीं था, और इफेक्ट है जब मराठा सेवन के माध्यम से हम लोग समाज के अंदर घुसे और उनको सब अपनी परिस्थितियाँ बताई और हम कौन है ये सब दिखाया। भाई सबसे बड़ा उदाहरण है ना हमारे इतिहास में लिखा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों नहीं किया, क्योंकि बोले तुम शुद्ध रहो। अब इससे बड़ा और क्या उदाहरण देना चाहिए मराठों को मुझे बताइए। जब इन लोगों के पास में जाने के बाद में अब थोड़ी थोड़ी जागरूकता आ गई है, ये जागरूकता को हम अगर समाज के माध्यम के अंदर हर समाज के अंदर लेके जाए, शिवाजी के जो मावड़े थे उनको भी हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये आरक्षण विषय बहुत छोटा या कमजोर ऐसा कुछ नहीं है, काशीराम के बाद में सभी ठंडा अवस्था में चले गए। काशीराम ने जो युद्ध छेड़ा उसको अभी हमारी बहन जी भी नहीं कर पा रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे साथ में। और इसको अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स राजकीय विषय इसको कभी भी जिंदगी में मत करना, नहीं तो वही हो जाएगा मंडल और कमंडल। ये हम बोल चुके हैं मंडल कमंडल के चक्कर में 52 वालों को 27 ही मिला, और वो भी किस तरीके से किया, उस दिन बाबरी मस्जिद गिरा और इधर विधेयक पास किया। कितने होशियारी का गेम है देखो, कि ओबीसी का वो 27 पर ख्याल ना जाए और इधर मंडल भी हो गया इधर का मंडल भी हो गया। आज वही धूर्त चाल ये सरकार कर रही है, ये तो कांग्रेस से भी गई भी थी सरकार है, इसने तो ऐसी हालत कर दी है कि इसने तो डायरेक्ट सब पीओसी बेचने का शुरुआत कर डाली, तो आरक्षण मांगूंगा किसके लिए? हाँ, किसके लिए? दिक्कत क्या है, बहुत बहुत स्टाइल से काम किया बीजेपी ने। पहले हमारे जो पैसे से बने हुए संस्थान थे वो बेच डाले, वो बेचने के बाद में प्राइवेट में तो आरक्षण है ही नहीं। अब आरक्षण अगर हम मांगने जाएंगे उसके बाद तो बोलेंगे वो तो सब बेच डाला मैंने, किसके लिए मांग रहा है? तो हमको हमारा अस्तित्व बचाने की अब ये लड़ाई है, पिछड़ों की लड़ाई अब खत्म हो गई, ये अगड़ा पिछड़ा ये वो। अरे भाई सादा उदाहरण है, 2.5% के लिए 10% का आरक्षण, ये कौन सा तरीका है? सत्ता हाथ में है तो सवर्णों के नाम के नीचे 2.5-3% लोगों को 10% का आरक्षण दिया है हराम करो ने, और किसी भी ओबीसी वालों ने उसका विरोध नहीं किया, ये सब बैल बैठे थे क्या वहां पर? इसलिए हमें जन जागृति लाना बहुत जरूरी है। लॉर्ड बुद्धा को मैं धन्यवाद दूंगा सही में कि वो ऐसे विषय उठा रहा है। मेरी एक संकल्पना है, मैं आज ही बता दे रहा हूँ आप सबको, हम सबको हमारे जिले वाइज तालुका वाइज घूमना पड़ेगा, लोगों में चेतना डालनी पड़ेगी, एक संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ेगा, लोगों तक के ये विचार हमारे ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को कुछ समझता नहीं आज जो वो अपने इसमें मगन है। पर कई एक जगह तो आग लगाने वाला हो ना, बस उतना काम हमको करना है। इस आरक्षण के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं। आज संभाजी राजे जैसा आदमी जो महाराष्ट्र के अंदर से खासदार है वो किसी पक्ष का नहीं है, उसको तक के गिन नहीं रहे ये प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए अब समय आ गया है भाइयों कि हमको किसी भी हालत में पिछड़े के लिए अगड़ों पिछड़ों की ये लड़ाई के अंदर पिछड़ों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जय जीजाऊ, जय शिवराय। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है मनोज मानी जी। सर, ओबीसी आरक्षण के लिए जो खत्म हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए डेफिनेटली कांग्रेस है। वो कैसे? 9 मार्च 2021 को कमलनाथ की सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक मेमोरेंडम लाया और 10 दिन तक ये सरकार सोते रही। कमलनाथ जी को मालूम था कि ये सर यदि हम कोई अध्यादेश लाते हैं और यदि इसको कानूनी जामा नहीं पहनाते तो कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई सामाजिक जागरूक व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और इसके ऊपर स्टे लग जाएगा। यदि कमलनाथ जी जागरूक होते, कमलनाथ जी यदि पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्ष में होते, यदि पिछड़ों के प्रति उनमें सहानुभूति होती तो वो तुरंत उसको कानूनी अमला जमा। कमलनाथ ने कितना करा था? 27 करा था ना सर? 27 किया था। तो 27 तो ऑलरेडी है, 27 तो उन्होंने कानूनी रूप से किया, तो
उसको देखिए, उसको अब चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई थी और ओबीसी को 27% आरक्षण के तहत में चुनाव प्रक्रिया तय हो गई थी। और चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म भर दिए, सारी प्रक्रिया हो गई। कई कई जगह तो हमारे खकनार क्षेत्र में पूर्व विधायक की बेटी वो निर्विरोध निर्वाचित भी हो गई। ऐसे समय नहीं, लेकिन भाई उसमें एससी एसटी में भी तो कॉम्पिटिशन रहता है, कोई प्रतिद्वंदी खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे वो निर्विरोध चुन ली गई। ऐसी चुनावी प्रक्रिया के मुझे ये बताइए कि कमलनाथ ने 27% आरक्षण किया, बराबर किया जो संविधानिक रूप से जो देना चाहिए था, लेकिन अब उसमें जो मामला ये था कि कमलनाथ ने शिवराज सिंह बोल रहे थे कि जो 2014 वाला जो आरक्षण है उसके हिसाब से वो और कमलनाथ जी कह रहे थे कि रोटेशन के हिसाब से 5 साल में आरक्षण बदलना चाहिए, तो कमलनाथ तो संविधानिक बात कर रहे थे, तो संविधान के विरोध में गया कौन? कांग्रेस ने जो किया गलत तो किया ना, कांग्रेस ने दो संविधानिक बात कर रहा था ना, कमल तो उसको अमलीजामा पहनाना चाहिए ना। जब चुनावी प्रक्रिया हो गई और बाद में फिर कोर्ट में जाके उस चुनावी प्रक्रिया को रोकने का काम, पिछड़ों के साथ में, अनुसूचित जाति के वर्ग के साथ में धोखा देने का काम कांग्रेस के सर कांग्रेसियों ने किया। जाति का भी मैटर ही नहीं, चुनाव चुनाव के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से दो साल का समय आपको मिला शिवराज सिंह सरकार को, तो 2 साल में इन्होंने ओबीसी का डाटा 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको मांगा, ये अपने जवाब प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए? देखिए ये कोर्ट में मैटर गया, चुनावी प्रक्रिया रुक गई, चुनावी प्रक्रिया को रोकने वाला कौन? यदि ये चुनावी प्रक्रिया यदि कांग्रेस नहीं रोकती तो आज चुनाव हो चुके होते थे, सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि बन चुके होते थे और 27% आरक्षण के तहत ओबीसी के लोग जनप्रतिनिधि बन चुके होते थे। ये जनप्रतिनिधियों के साथ में ओबीसी वर्ग के साथ में विश्वासघात करने का काम, जनप्रतिनिधियों को रोकने का काम, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास को रोकने का काम, ये षड्यंत्र जो किया ये कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस ने ऐसे लोगों के साथ में विश्वासघात किया, कांग्रेस को ऐसे लोगों के प्रति जवाब देना पड़ेगा। 1992 में जो ओबीसी को आरक्षण मिला, सबसे पहले समर्थन बीजेपी ने वीपी सिंह से हटाया, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले तो विरोध में तो बीजेपी गई थी। बीजेपी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ समर्थन वापिस नहीं लिया था, बीपी सिंह ने देश में जाति वर्ग के नाम पर जो षड्यंत्र रचा और समाज को और जातियों को एक दूसरे के खिलाफ लामबंद कर दिया, इस नाते और पूरे देश में अराजक स्थिति बन गई, जगह जगह आंदोलन हुए, लोगों ने युवाओं ने आत्मदाह करने का प्रयास किया और पूरे देश में वर्ग संघर्ष पैदा हो गया था। इस कारण से उस वीपी सिंह की सरकार ने जनमत खो दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वीपी सिंह से समर्थन वापस लिया था। एक सवाल मेरा आखिरी, उमा भारती, जयवान सिंह पवैया, विनय कटियार, प्रवीण टोगड़े तमाम ये ओबीसी लीडर थे, जब इनके खंधे पर रखकर आज सत्ता हासिल करी, लेकिन आज ये लोग नजर नहीं आ रहे, कहीं भी किनारे हो गए, वजह क्या है? आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री ओबीसी के दिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सांसद ओबीसी का दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सर पर ओबीसी का कोई चेहरा ही नजर नहीं आता, ये सब किनारे हो गए। नहीं, किसने कह दिया, कहाँ किनारे हुए? भारतीय नजर नहीं आ रही, विनय कटियार नजर नहीं आ रहे, जयवान पवन सिंह नहीं, किसने कह दिया नहीं है? जयवान सिंह पवैया भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, देश का चेहरा है, ओबीसी का चेहरा है, प्रहलाद पटेल ओबीसी का चेहरा है, उमा भारती, अब चूंकि उमा भारती राजनीतिक क्षेत्र में नहीं काम करना चाह रही है, वो सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाह रही है, ओबीसी के बड़े चेहरे है ही नहीं सर। नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते? नहीं है, हमारे साथ में कांग्रेस के है पिछड़ा वर्ग के नेता, सर इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भाजपा तो पहले से ही पिछड़ों का शोषण करते आ रही है, और रही बात मध्य प्रदेश की पिछड़ों की, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण जो संवैधानिक रूप से है उसे लागू करने का निर्णय लिया, लेकिन इन्होंने क्या करा, देश में महामारी फैल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, पीछे के दरवाजे से सरकार बनाना जरूरी थी, ना कि महामारी को रोकना। कमलनाथ जी महामारी को रोकने के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए लगे हुए थे, और ये पूरे विधायकों को समेट के जयपुर जाकर वहाँ पर पार्टी करके सरकार बनाने के चक्कर में थे, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी अड़े रहे कि 27% आरक्षण लागू हो और उसी के आधार पर पूर्ण गणना कर ये आरक्षण निर्धारित किया जाए और ओबीसी के साथ ही ये नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो। परंतु इन्होंने क्या करा, जाके बोला कि हाँ हम 2014 के हिसाब से आरक्षण लागू करके इलेक्शन कराएंगे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि हर 5 साल में युवाओं की संख्या और 18 वर्ष के जो लोग पूर्ण हो जाते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती है, पूर्ण आरक्षण रोटेशन के आधार पर किया जाए, लेकिन इन्होंने क्या करा कि इस प्रकार का आरक्षण लागू करने से मना करा, क्योंकि इन्हें डर था, क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा तो इनकी हार तय है, तो ये
कमलनाथ जी उसके लिए और कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई और यही संवैधानिक जो अध्यादेश है उसके आधार पर संवैधानिक रूप से अपना मत रखा कि भैया 5 साल के अंदर रोटेशन चेंज होता है, 27% आरक्षण लागू करना चाहिए, इसलिए कांग्रेस कोर्ट में गई। इनका ये कहना था कि ये पिछड़ों का आरक्षण रोकने के लिए कोर्ट में गई है, जबकि भाजपा को ये समझ ही नहीं रहा कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। कांग्रेस पार्टी कल भी 27% आरक्षण के लिए थी और आज हमारे कमलनाथ जी ने स्वयं कहा कि हम अपने पार्टी स्तर तौर पर 27% से ज़्यादा आरक्षण हमारे उम्मीदवारों को देंगे। इनके मंत्री को लगा अब ये तो बोले वाह वही लूटने आ रहे, तो आ गए मीडिया के सामने कि हम भाई 27% आरक्षण देना चाहेंगे। ये हर चीज़ में कांग्रेस को कॉपी करते हैं। आधार कार्ड का विरोध करेंगे लागू उसे ही करेंगे, ये RTI का विरोध करेंगे लागू उसी को करेंगे, ये हर चीज़ का विरोध करेंगे लेकिन लागू उसी को करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पीछे चलना है, देश चलाना सिर्फ कांग्रेस को आता है, उसी के पीछे चलना है। आज आदरणीय काका जी ने जिस प्रकार से कहा कि पिछड़ों को खुद जागृत होना पड़ेगा, मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ। हाँ, पिछड़ों को जागृत होना पड़ेगा इसके लिए। और बात रही कांग्रेस की तरफ से, हमारे तरफ से राष्ट्रीय नेता क्यों जो बोल रहे हैं, आदरणीय हमारे अरुण यादव जी जो लगातार इस विषय के लिए लगे हुए हैं कि OBC को आरक्षण दिया जाए, और OBC के खुद नेता हैं, किसान के नेता हैं और खुद लगे हुए हैं कि 27% आरक्षण के साथ और पूर्ण गणना और नवीन गणना के आधार पर ये इलेक्शन हो, लेकिन भाजपा कभी ये नहीं चाहेगी। क्यों? उन्हें डर है और यही डर उनकी हार का कारण बनेगा। और आज पिटीशन लग गई है तो रिपिटीशन फाइल कर दी, बोले हम 15 दिन में आरक्षण कैसे साबित करें। बोले अरे तुमने 3 साल पीछे के दरवाजे से सरकार ला ली, 3 साल हो गए, 3 साल कम पड़ गए और अब कोर्ट को लिख के दे रहे हो कि हम 15 दिन में कैसे करें, ये कौन सी बात है? इससे साफ साफ इनकी नीयत साफ होती है। धन्यवाद। ये तो सोनलाल जोरे जी, क्या कहना चाहेंगे, आरक्षण के जिम्मेदार कौन है? सर्वप्रथम मैं लाड बुद्धा चैनल का बड़ा आभार प्रदर्शन करता हूँ। और यहाँ पर जो बात आई, मेरे प्रवक्ता ने बताया कि जिम्मेदार जो है हमारा पिछड़ा वर्ग ही भाई है, क्योंकि वो अनेक दल बटा हुआ है और हमारा अपना पिछड़ा भाई जो है संवैधानिक किताबें नहीं पढ़ता है और वो इतनी अंधश्रद्धा में, इतनी धार्मिक भावना में इतनी जगह उलझ चुका है कि वो अपने अधिकारों को भी भूल गया है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता है। जबकि माननीय कशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, आज तक इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। कशीराम साहब ने 1990 में इस प्रकार की उथल पुथल की थी कि 4 बार बहुजनों की सरकार बनाई यूपी में, सबसे बड़ा प्रांत यूपी। तो आज हमारा जो पिछड़ा भाई है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन पढ़ना क्या चाहिए, हमारे अधिकारों के ऊपर पढ़ना चाहिए, वो पढ़ते नहीं है, वो अन्याय कोई बातों में जाते हैं। इतनी धार्मिक भावना में इनको ये उलझा के रख दिया है कि अपना सही डिसीजन भी नहीं लेते कि हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं और मेरे प्रवक्ता ने भी कहा कि सारी जिम्मेवारी अगर है, आज ये देश की सत्ता अन्य जगह पिछड़ा वर्गों में हाथों में कहीं है, पर वो प्लेटफार्मों में होने के कारण वो अपनी बात रख नहीं पाते, वहाँ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके पीछे एक डंडा खड़ा होता है, एक डंडा उनके पीछे खड़ा होता है कि जो पार्टी का जो सिंबल रहता है उसी बेस से बोलेंगे, अपनी व्यक्ति बात को ही नहीं बोलेंगे। वो बहुत सारे लोग सत्ता में बैठे राज कर रहे हैं लेकिन अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपनी बात की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारे समाज को ले जाना कहाँ पर है ये वो ये नहीं समझ रहा है। वो तो मेरे को एक बात ही आ जाती है कि चलने का होश नहीं, चलने का होश नहीं और रास्तों की बातें करते हैं, चलने का होश नहीं रास्तों की बातें करते हैं, इलम की जानकारी नहीं और झनकार की बातें करते हैं। पहले तो हमको इलम को समझना पड़ेगा, हमको जाना कौन से रास्ते से, हमको समझना क्या पड़ेगा, हमारे लोग आर्थिक परिस्थिति से मजबूत कैसे होंगे। सब तरफ से हमारे लोगों को धार्मिक भावना में ऐसा उलझा के रखा है और आज का वातावरण अगर देखो तो इतना दूषित हो चुका है, इतना ये हो चुका है कि आज के दिन वो TV पे देखो की इच्छा होती TV देखने, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, यानी नाम बदलो मकान तोड़ो, नाम बदलो मकान तोड़ो, ये काम चल रहा है, दूसरा कोई काम नहीं चल रहा है। ये देश में महंगाई इतनी हो रही है इस पर कोई बात नहीं करता है, बेरोजगारी इतनी हो गई है इस पर कोई बात नहीं करता है, किसी भी संवैधानिक विषय पर देश में कोई बात नहीं होती है कि और धार्मिक उत्पाद पर बात होती है और जाति बेस पर लोगों को एक प्रताड़ित किया जा रहा है, विभिन्न जातियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अन्य जातियों को प्रताड़ित किया जाता है, गरीब आदमी इतना पीछे जा रहा है। आज वो कोई भी
सारे लाइव जाए, कहीं भी जाए, उसकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, किसी प्रकार का काम नहीं होता है। मेरे को, मैंने यहाँ तक देखा, मैं जब भी फील्ड में काम करता हूँ, मैं एक सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं जब देखता हूँ कोई आदमी अगर जाता है, बेचारा यहाँ का नागरिक है, यहाँ का वो बुजुर्ग नागरिक है, वो अगर अपना काम ले जाता है तो वो काम नहीं होता उसका, उसका काम नहीं होता है। उनके एक नेता का फोन आ जाता है तो वो काम होता है, इसका नहीं करना, उसका करना, उसका नहीं करना। आरक्षण के जिम्मेदार टोटल हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो अपने संविधानिक अधिकारों को भूल चुका है, अपनी लड़ाई को भूल चुका है। और ये सबसे बड़ी बात मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कही और मैं भी ये कहता हूँ कि इसमें अगर कोई जिम्मेदार होगा तो हमारा पिछड़ा वर्ग भाई है, जो अपनी अपनी बात को सही ढंग से रखता नहीं और सही ढंग से समझ नहीं पाता। मैं सोहनलाल जोहरे पुनः एक बार लाड बुद्धा चैनल का आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। हमारे साथ में शाहपुर से है मुकेश जी। सर, क्या कहना चाहोगे, आरक्षण के जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पुराना एक ये बताना चाहूँगा, जैसे काशीराम जी ने बताया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना भी चाहिए। इसके पहले राजे हमारे शाहू जी महाराज ने भी आरक्षण पहले 52% किया था, लेकिन अभी आज की सरकार के बारे में अगर अपन बात करें और आज के ज्वलंत मुद्दे पर बात करें तो किसी भी चैनल पे ये नहीं हो रहा है। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको बुलाया और ओबीसी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इसके पहले कभी किसी ने नहीं बुलाया। अभी जैसे साहब मेरे पहले के वक्ता बोल रहे थे कि ओबीसी जागरूक नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैनल ओबीसी के व्यक्ति की बात रखने को तैयार नहीं है। हर कोई गोदी मीडिया जिसका नाम बोला गया है उसी काम पे गाल रहा है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनके अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है न्यूज़ पे। उन्होंने आज देश कौन सी परिस्थिति में उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। देश मरने जा रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात होती है। तो मैं आपको सीधी से अपने आरक्षण के बारे में बताना चाहूँगा, ओबीसी को मौका नहीं मिल रहा है, ओबीसी जागरूक है और अपनी बात रखेगा। अभी मैं अभी आज की बात करूँ, 27% आरक्षण, इसके पूर्व में भी जो कम आरक्षण, जो भी आरक्षण था उसके ऊपर चुनाव हो रहे थे, पंचायत में चुनाव हो रहे थे, पार्षदों पर बात हो रही थी। अभी आज ऐसा पहला मौका है देश की आज़ादी के बाद कि हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया। और जैसे कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम तत्काल में आरक्षण के बारे में कैसे बात करें, तो मुझे एक साधारण सा उनसे एक सवाल था कि कुछ दिन पहले इसी सरकार में उन्होंने 10% आरक्षण केंद्र से पास हुआ, बजट पास, तो मध्य प्रदेश में पास कराने की क्या जरूरत थी? इनके पास तो सरकार बड़ी शॉर्ट टर्म बनी हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने क्यों बनाई? जब वो उनको 10% आरक्षण दे सकते हैं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो धारा 340 में उल्लेखित आरक्षण को क्यों नहीं दे रहे? ये भारतीय जनता पार्टी मनुवाद की पूरी तरह से वशीभूत सरकार है और ये चाहकर भी नहीं कर सकते। इनके मतलब अगर हम सोचे कि हमारा कोई ओबीसी का प्रतिनिधित्व आ जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी से काम करता है तो वो मनुवाद का शिकार होता है, वो चाहकर भी हमारी बात नहीं रख पाता। अभी कुछ समय पहले महाजन साहब ने बोला था हमारे लोग हैं पर हमारे लोग परेशान हैं, वहाँ जाके अपनी बात नहीं रख पाते क्योंकि उनको वहाँ पर भी मौका नहीं दिया जा रहा। जिस प्रकार से देश की परिस्थिति बनी हुई है, आप देखिए, अगर आप अपनी बात रखने जाओगे तो आपको हटा दिया जाता है, आप अगर सरकार के खिलाफ बात करने जाओगे तो आपको अलग से कर दिया जाता है, देशद्रोह का तमगा। अभी तो कुछ समय से अच्छा हुआ है कि महंगाई जरा ज़्यादा चरम पे आ गई है तो जनता समझ लगे, नहीं तो अगर आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला तो आप देशद्रोही। इवन आपका चैनल भी कोई नहीं देखेगा अगर आप उस विषय पर बात करेंगे, तो ऐसा विषय चल रहा था। तो अभी मेरे भाई साहब ने भी बोला ये ओबीसी का बहुत बड़ा दुर्दैव्य है कि ओबीसी का व्यक्ति ही ओबीसी के खिलाफ बात कर रहा है। आज इस बात को हमें समझना होगा कि हम मध्य प्रदेश में ऐसे पहले राज्य के तौर पे है जो ओबीसी का होते हुए ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक विषय को छोड़ दे, अपनी बात रखे, अपने लोगों की बात रखे। अगर अपने लोगों की बात रखोगे तो राजनीति में आगे जाओगे, नहीं तो ये राजनीति आपको नदी में फेंक देगी। धन्यवाद। हमारे साथ में फूले ब्रिगेड जी से है सुधाकर महाजन। सर, क्या कहना चाहोगे, ओबीसी आरक्षण के जिम्मेदार कौन है? ओबीसी आरक्षण का जिम्मेदार हमारे पहले वक्ताओं ने बताया है, खुद ओबीसी के वर्ग के लोग भी बहुत जिम्मेदार है क्योंकि उनको जागरूकता बहुत कम है। अगर वो जागरूक हो जाए तो वाकई में ये आरक्षण का मुद्दा और 27% मिलेगा। और अभी हमारे तक जो मतलब अभी 5 जून से एक बहुत बड़ा ओबीसी आंदोलन होने जा रहा है जिसकी डिमांड ग्वालियर से उठी हुई है। और जैसे आपने बताया कि जनगणना होने वाली थी, जनगणना भी केंद्र सरकार नहीं करवा रही थी, जब तेजस्वी यादव ने वहाँ हंगामा किया
क्योंकि वो खुद भी एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उन्होंने हंगामा किया, तब हमारी केंद्र सरकार अब थोड़ी सी तैयार हुई है कि हम जनगणना करवाएं, क्योंकि इनको भय, पूरी तरीके से भय, जब ओबीसी की इतनी संख्या दिखेगी तो इनके अंदर से और कोई साहूजी मारा जाएगा ऊपर, तो इसके लिए उनको पूरी तरीके से भय है। जब हमारे मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार ये सब लाते हैं, 10% का आरक्षण एक दिन में दिलवा सकते हैं, तो 15 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि केंद्र आपका है, हाई कोर्ट आपका है, सुप्रीम कोर्ट आपका है, राज्य में सरकार आपकी है, तो क्यों भैया 27% आरक्षण क्यों नहीं लगा सकते हो, वही क्यों पिटीशन दायर करवाते हो कि हमारे से होने का नहीं। आज 2 साल से सरकार है, 2 साल से सरकार होने के बावजूद भी आपने एक पहल नहीं की है ओबीसी के लिए, क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ के ओबीसी वर्ग के लोग जागरूक नहीं है और इनको परेशान नहीं करते, 10% लोग बराबर परेशान करते हैं, तो बराबर आपको आरक्षण मिल जाता है। तो मेरा यही ओबीसी वर्ग से और पूरे सर्व समाज से ये निवेदन है कि जागरूकता लाए, और जो 5 जून से एक रैली निकलने वाली है ओबीसी वर्ग के ग्वालियर से, उसका समर्थन करें। धन्यवाद। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी, सर क्या कहना चाहेंगे, ओबीसी आरक्षण के जिम्मेदार कौन है? सर सबसे पहले तो मैं आम अपने लॉर्ड बुद्धा चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो ओबीसी का जो मुद्दा है वो आपके चैनल के माध्यम से लेके आए आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद और आज तक दोनों ही पार्टियों ने राज किया देश पे, चाहे राज्य में हो केंद्र में हो। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो आरक्षण के जैसे हमारे कई हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमारे बड़े भाई ने ये बात कही कि आरक्षण का जिम्मेदार ओबीसी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितना जिम्मेदार आरक्षण का ओबीसी वर्ग है, उतना जिम्मेदार ये राजनीतिक पार्टियाँ भी है, क्योंकि इन्होंने ओबीसी वर्ग को राजनीति के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जब चुनाव आते हैं तो ओबीसी वर्ग को लुभाया जाता है। आज क्या हो रहा है, आज ओबीसी वर्ग क्यों भटका हुआ है? वो इसलिए भटका हुआ है क्योंकि इनके जहनों में इन्होंने एक बात डाल दी है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, आज ओबीसी वर्ग इसी में ही उलझा हुआ है। अभी देखिए, अभी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा चल रहा है, उसके 2 दिन पहले गैस के 50 रुपये दाम बढ़े, तो वो दाम किसी ने विरोध नहीं किया और वो ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके आइए। जहाँ तक ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग है, हम उसके समर्थन में हैं। आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में 40% ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देकर और ओबीसी वर्ग को मजबूती के साथ निकाय चुनाव में अपना अधिकार, उनको अधिकार देगी और उन्हें चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, पिछड़ा वर्ग को है ना अपने सम्मानपूर्वक है ना, चाहे विधानसभा हो, सभी अपने पार्लियामेंट में भेजाने की कोशिश करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ में हिंदू जागरण के ठाकुर साहब है, सर क्या कहना चाहेंगे, ओबीसी आरक्षण के जिम्मेदार कौन है? जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी जैसा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश चलाना केवल कांग्रेस को आता है, बहुत अच्छा देश चलाया कांग्रेस ने, 65 साल देश पे राज किया, और आरक्षित वर्ग जितने भी हैं एससी एसटी या ओबीसी, उनकी आज क्या दशा है ये सब देख रहे हैं। अब रही बात कि राज्य में हमारे पंचायत निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो 22,709 ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम, नगर परिषद, पालिका परिषद 316 अन्य हैं। पिछले चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने, जो ओबीसी विरोधी पार्टी है, देखा कि 4,000 से 5,000 जो लोग हैं वो भाजपा समर्थित लोग चुन के आए, तो ओबीसी समाज से कैसे बदला लिया जाए, ये कांग्रेस पार्टी ने सोचा अब इनसे बदला लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सैयद जफर शायद नाम है, उनको उन्होंने आगे करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया रंगा लगाने के लिए। किस बात को लेकर? आरक्षण जो 27% था, अब 27% आरक्षण भी नहीं हो रहा है, क्यों? अब आप एक बात बताइए, 27% का लॉट तो कमलनाथ नहीं, कमलनाथ तो ठीक है ना, तो फिर 5 साल में रोटेशन के आधार पे आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल ये है,
मेरा सवाल देखिए, मैं आपकी बात को क्यों अपने मुंह में रखूं? मैं आपकी बात, मैं मेरी बात ये रख रहा हूं, संवैधानिक चर्चा हो, संवैधानिक चर्चा यही है कि रोटेशन के आधार पे आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, रोटेशन के आधार उस पर होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भेजने का कार्य, घृणित कार्य अगर किसी पार्टी ने, ओबीसी विरोधी पार्टी कांग्रेस ने किया है, पूरे समाज को, ओबीसी समाज के साथ कोर्ट में क्यों गए? कोर्ट में इसलिए गए कि शिवराज सिंह चौहान जो है 2014 का जो आरक्षण था वो वही लागू कर रहे थे, जबकि 5 साल में संवैधानिक आधार पर रोटेशन में आरक्षण होना चाहिए। देखिए ये कमलनाथ ने किया था। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन माननीय शिवराज सिंह सरकार ने 35% जो तमाम प्रक्रिया हुई है क्या संवैधानिक आधार पर हुई है? संवैधानिक 35% आरक्षण के लिए पूरा प्रयास किया, परंतु अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि डेटा जो है वो 2 साल जो है उन्होंने पूरा नहीं कह पाए, 2 साल कोरोना काल रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा मांगा है डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया। अब जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाजपा ने प्रेषित करी आगे। आपने डेटा की बात करी, 10% आरक्षण का डेटा कैसे आ गया कि रातों रात सुप्रीम कोर्ट में? नहीं देखिए, 10% कोई डेटा नहीं है, डेटा से नहीं आया, 10% आरक्षण नहीं, डेटा बगैर डेटा के आरक्षण 10% का आया है, और वो जो है आर्थिक आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे आया, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक आधार पर, संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण है, आर्थिक, अब ये संविधान से तो पास हुआ, संविधान मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, ये संविधायक नहीं, वो नहीं है क्या, संस्था नहीं है वो? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अलग संस्था है, लोकसभा अलग है, विधानसभा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप संविधान की बात कर रहे हैं तो असेंबली और पार्लियामेंट के संविधान का हिस्सा नहीं है क्या? देश संविधान से चलता है, क्या संविधान में है जब अच्छा पार्लियामेंट में पास हो गई वो कोई चीज तो वो संवैधानिक हो गई, तो संविधान में है क्या आर्थिक आधार? संवैधानिक हो गई चीज संविधान में। अब अभी जो बात हो रही है, अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है जिसने घृणित कार्य किया है ओबीसी को। सर क्या कहना चाहूंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग में सभी लोग, आप ऐसे कैसे कह सकते कि जागृत नहीं है? भैया बहुत सारे लोग जागृत है, हम कहते हैं कि इतनी जागृति आ गई है कि अब देखना जो आने वाला जो चुनाव है उसमें हम मांग करेंगे जो शिक्षित वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है उसको जगाने का काम करेंगे कि हमको अब 27 का बहस नहीं चाहिए। ये भाजपा कांग्रेस 27 की बहस करके वाहवाही लूट रही है, 52 चाहिए, अब हम 52 के लिए लड़ेंगे और ये दिखा देंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी हमारी बात करेगा, हमारे हित की बात करेगा और 52% की बात करेगा, हम पूरा ओबीसी उसके साथ जाएंगे। मैं आपके लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ओर से मैं उन सारे पूरे राष्ट्र के जितने भी हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं उनसे ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वह 52 के लिए लड़े, 52% के लिए, 27 की राजनीति और 27 के जो चंद हम जो नेता, जो सत्ता पक्ष विपक्ष के जो नेता है वो हमको अपने आप में लेना चाहते, 27% आरक्षण लेके, 27% में होता क्या है, क्या होता है आज 100 में से 27% पे कोई पेपर में पास होता है क्या? 100 में से 27 नंबर लेकर कोई पास होता है क्या? 52 सेकेंड डिवीजन कहलाता है, कम सेकेंड तो बनो, थर्ड डिवीजन भी नहीं आता 27% पर। तो मेरा कहना यही है सभी से कि ये जो चंद हम देखो हम यही बढ़ गए, यही पर जो डिबेट चल रही है, जो ये आज ये 27% आरक्षण के मुद्दे के ऊपर कौन जिम्मेदार, यही बढ़ गए हम तो, या भाजपा वाले भी है, आम आदमी पार्टी वाले भी खड़े, या कांग्रेस वाले बड़े, वो बोलता है इसका ये जिम्मेदार, वो बोलता है उसका जिम्मेदार, क्यों भाई तुम में से कोई 52 दे सकता है? 52 की किसी ने क्यों नहीं बात करी कि 52 होना, कोई कांग्रेस वाला बोले 52, बीजेपी वाले बोले 52 होना, आम आदमी बोले 40% को देंगे हम, अरे ये क्या हुआ? हमको तो 52 वाली बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, वही हमारा नेता होगा और वही हमारी सरकार होगी। जय हिंद जय भारत। नीलेश महाजन जी कह रहे कि जिसकी माननीय और कांशीराम साहब की बात तो कर रहे हैं कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, मतलब ओबीसी अगर देश में 52% तो 52% के उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और ये संविधान भी बोलता है, लेकिन संविधान में तमाम प्रक्रिया है, लेकिन लोग संविधान विरोध में भी जाके बिल प्रस्ताव पारित पार्लियामेंट में कर लेते और लागू कर लेते हैं। हमारे साथ में सातो जी, सर क्या कहना चाहूँगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये जो ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया है उसके लिए हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग ही जिम्मेदार है, क्योंकि जागरूकता चंद लोगों में आई है, जो इतना बड़ा समाज है ओबीसी समाज वो पूरी तरह से सोया है, और वो निश्चित रूप से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको वो अपने एजेंडे के माध्यम से कुछ न कुछ पद लेकर
वो अपना एजेंडा तय करती है, जबकि जो हमारा अधिकार है, हमको जिस प्रकार से 52% आरक्षण मिलना चाहिए वो आज हमको नहीं मिला है। ये बड़ा खेद का विषय है कि जो सबसे बड़ा समाज है ओबीसी वर्ग, उसको ये जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां है, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेता हूँ, ये सब दोषी है। और इसके लिए ओबी समाज को आगे आना चाहिए और जगह जगह बैठकें लेकर मोर्चा बनाकर इस आरक्षण को के लिए लड़ना चाहिए। मैं आज लाड़ बुद्धा चैनल के माध्यम से ओबीसी वर्ग को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, और जो राजनीतिक जो दल होते हैं, जो लोक लुभावन आपको पद देते हैं और अपने एजेंडे पर चलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने अधिकारों से आपको वंचित रखा जाता है, तो इसलिए मैं सभी जो भी हमारे ओबीसी वर्ग के जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी मैं आह्वान करूँगा कि वो अपने अधिकारों की बात करें। जो अपने अधिकारों की बात करेगा वही हमारे देश में राज करेगा। जो अधिकारों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ओबीसी की जाति का जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? और अगर ओबीसी की जाति का जनगणना अगर हो जाती है तो क्या होगा? अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं 1931 के हैं, जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े नहीं हैं। अब 10 वर्षों के लिए बाबा साहब ने आरक्षण रखा था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आरक्षण की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? वो पार्टी जिन्होंने 65 वर्ष इस देश पर राज किया, उन्होंने कुछ भी नहीं करा आरक्षित वर्गों के लिए। मुझे बताइए 10 साल का आरक्षण कौन सा है? 10 कितने प्रकार के आरक्षण? नहीं, 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए आरक्षण का था, ताकि तो सब लोगों, कौन सा आरक्षण? आरक्षण कितने प्रकार के भैया? आरक्षण जो है 340 आर्टिकल 341 342 सभी में आरक्षण। तो संविधान में कितने प्रकार के आरक्षण है? संविधान में ओबीसी एससी एसटी सभी के आरक्षण हो गए। अन्य आरक्षण इकोनॉमिक आधार पे है, जातिगत आधार पे है। आरक्षण कितने प्रकार के सर? और 10 साल का आरक्षण कौन सा? 10 वर्षों के लिए 1947 में जो रखा हुआ था वो ये इसीलिए था। आरक्षण राजनीति, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। उसका रखने का कारण ये था कि आरक्षित वर्ग जो नीचे थे, नीचे तबके के लोग थे, वो ऊपर अपलिफ्ट हो जाए, उनका कौन सा आरक्षण पूरा अच्छा हो जाए, इसीलिए आरक्षित वर्ग चाहे एससी एसटी के हो, ओबीसी के हो, ये हो गया। अब उसके बाद भी जो राजनीतिक पार्टी ने, मेरा सवाल वही है कि इतने वर्षों तक देश पे राज करा तो आरक्षण की अभी तक हमको क्यों जरूरत पड़ रही है? देश में गधों की गिनती होती है, घोड़ों की होती है, लेकिन पिछड़ों की क्यों नहीं होती? मैं पूछ रहा आपसे बात, ये सवाल देखिए, पॉपुलेशन सेंसस में अभी तक जो है वो चाहे कोई भी आरक्षित वर्ग हो, उनकी अलग से गिनती नहीं हो रही है। अब ये जो है नीतिगत फैसला है, केंद्र सरकार का फैसला है, इस पे पूरे लोगों को पूरा वो रखना चाहिए, स्पेशलिस्ट जो भी ओपिनियन है इस पे, हम सरकार के साथ में। हाँ सर, क्या कहना चाहूँगा, ओबीसी जाति की गणना अगर हो जाती तो क्या होगा और क्यों नहीं करा रही सरकार? नहीं, ओबीसी की जाति गणना अगर हो जाती है सर, तो हमारे ओबीसी भाई जाग जाएंगे कि हमारे लोगों का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, हम कहाँ खड़े थे, कितने आगे हमने बढ़ना चाहिए, ये उनको जानकारियाँ मिल जाएगी। और वो अच्छी तरह यहाँ की देश की व्यवस्था को समझ जाएंगे तो सत्ता में जरूर अपनी भागीदारी बनाएंगे। जो समाज के हाथ में जो भी सत्ता जो समाज के हाथ में आती है, वो अपने देश का अपने समाज को आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ाने के बाद में वो अपने आप में जाग जाएंगे और ये जरूर अपने समाज का भला करेंगे। मैं इस बात को ये जरूर बोलता हूँ, लेकिन हमारे अपने ओबीसी भाई ने जागना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए, अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। हमारे साथ में ईश्वर ताड़ी सर, क्या कहना चाहोगे, ओबीसी जाति की गणना हो जाती क्या होगा? जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो लोग अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। इस देश में पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा होने का एहसास नहीं, मगर हिंदू होने का एहसास है और गर्व है। मैं बोलता हूं कि आप गर्व करो, लेकिन अपने हक व अधिकारों के प्रति जागृत रहो। इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद और तमाम जो है धार्मिक मुद्दों पर जो है आंदोलन होता है, लेकिन इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पर कोई आंदोलन नहीं होता, कोई महंगाई पर कोई आंदोलन नहीं होता, शैक्षणिक तौर पर कोई आंदोलन नहीं होता, सामाजिक तौर पर कोई आंदोलन नहीं होता, तो एहसास हमारे को होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ सर, क्या कहना चाहूँगे, वो भी जाति जनगणना को लेकर हो जाती तो क्या होगा, अगर हो जाती तो क्या 52% आरक्षण मिल जाता? देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी भी इसके पक्ष में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 70 साल तक देश पर कांग्रेस ने राज किया,
और ये अपने आप को ओबीसी हितेशी बताने की कोशिश कर रही है। तो 70 सालों में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अटल बिहारी सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया था, और अभी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम ओबीसी जाति जनगणना नहीं कर सकते। तो मैं प्रश्न वही कर रहा हूँ कि 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, इसने जातिगत गणना ओबीसी की क्यों नहीं की? ये इन जवाब इनको देना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल तक शासन इन्होंने किया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जातियों के विकास में के लिए वचनबद्ध है, ओबीसी के विकास के लिए वचनबद्ध है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के अंदर सबसे ज़्यादा ओबीसी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, देश की असेंबलीज में सबसे ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी। सुनिए तो सही, आरक्षण नहीं होने के बावजूद भी जीते नहीं है। देखिए, आरक्षण होने के बावजूद भी आरक्षण कहाँ है इनका? अनिल भाई, बगैर आरक्षण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को विधानसभा में, लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया अन्य दलों के मुकाबले। लागू कर दो ना, सबसे ज़्यादा, मेरी बात तो सुनिए, सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के विधायक और सांसद को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग से है। कांग्रेस बताए पीछे, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। दिलीप सिंह भूरिया मांग करते रहे कि आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया दिग्विजय सिंह को। जमुना देवी आदिवासी वर्ग, सुनिए मेरी बात सुनिए, आदिवासी वर्ग की जमुना देवी जी मांग करती रही मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, सर सर मेरी एक छोटी छोटी सी बात, जो राजनीति, सर सर जो राजनीति, सुनो मेरी बात, जो राजनीति वर्ग के, जो राजनीति, मेरी बात तो सुनो, पिताजी सुभाष यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जो राजनीति आरक्षण एससी एसटी का, जो सांसद और विधायक है वो मनुवादी पार्टियों के दलाल और चमचे है, वो समाज का विकास नहीं कर पाए, ये मेरा मानना है। और मैं खुद बोलता हूँ, अगर एससी एसटी के सांसद विधायक लोग और लोगों का विकास कर लेते तो देश में आज एससी एसटी एक्ट में बदलाव नहीं होता, एससी एसटी का आरक्षण खत्म नहीं होता, इस देश में निजीकरण नहीं होता। लेकिन एक भी सांसद या 1100 एमएलए पार्लियामेंट में बोलने को तैयार नहीं, इसका मतलब ये मनुवादी पार्टी के दलाल और चमचे है, वो सामाजिक समस्या उठाने को तैयार नहीं है। तो ये मामला ये है, आप गलत बात कर रहे हैं अनिल भाई, गलत गलत, आप जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। दलाल कहना ये जनप्रतिनिधियों का, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ओबीसी वर्ग का, सुनिए, ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने वाले यदि कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। सारी विधानसभा केवल मध्य प्रदेश नहीं, आप पूरे देश भर की विधानसभा, अरे आप आर्टिकल 340 लागू कर लो पार्लियामेंट में, क्यों नहीं करना था संविधान? सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हमने दिया, मुख्य 3 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग का बनाया। इस खंडवा संसदीय क्षेत्र से सांसद बनाने के लिए हमने ज्ञानेश्वर पाटिल जी को दिया, क्यों कांग्रेस ने आदि ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया? क्यों अरुण यादव को टिकट नहीं दिया? क्यों राजनारायण सिंह पुरनी को टिकट दिया? आप संविधान को मानते हो? सर, बीजेपी संविधान को मानती है? बिल्कुल मानती है। 340 संविधान के अनुसार ही काम करती है। 340 क्यों नहीं लागू कर रहे हो आप, ये बताइए बस, मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करना, क्यों नहीं लागू करते 340 आर्टिकल ओबीसी के लिए? हम उसके फेवर में है, लेकिन और 10 साल से आपकी सरकार है, पार्लियामेंट में बिल पास, मैटर कोर्ट में था ना, मैटर कोर्ट में था। कौन सा कोर्ट? अभी ओबीसी आरक्षण का मैटर कोर्ट में था। सांसद और विधानसभा का, सांसद कितने ओबीसी के और विधायक, ये बिल, इसका आर्टिकल, इसका इसका फैसला संसद में होगा ना, संसद में होगा, संसद इसके बारे में निर्णय करेंगी। कानून क्यों नहीं कर रहे हो बिल आप? किसी संसद में निर्णय होगा ये, तो लोकसभा में निर्णय होगा ये। साल से सरकार आपकी है, सरकार हमारी, लेकिन निर्णय वहाँ होगा ना। चलो हमारे साथ में मुकेश जी, सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है, झूठ बोलो जोर से बोलो और जोर जोर से बार बार बोलो, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं आपको साधारण सा बताना चाहता हूँ कि अगर इस देश में संविधान का उल्लंघन करने का ठेका किसी ने लिया है वो तो भारतीय जनता पार्टी। अब ये अभी अपनी बातों से 2 मिनट में मुकर जाएंगे अगर मैं आपको बात बताऊं। देखिए, जातिगत जनगणना के बारे में ये बात करना नहीं चाहते। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो अभी प्रधानमंत्री तत्काल में है, पुरानी बातें छोड़ो, गलती हुई होगी, मानता हूँ मैं, किसी ने गलती की है, उसके लिए उनकी सरकार जा चुकी है। आज जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, उनके लिए बात करो ना आप, उनकी बात नहीं कर रहे। आज जो बैठे हैं, जो बात करना, मतलब जो करने के लिए तैयार होना चाहिए, उनकी बात नहीं कर रहे। जो गया जमुना देवी को मरने को 10-15 साल हो चुके, उनकी बात कर रहे, कोई मतलब नहीं है। गड़े मुर्दे उठाने से कुछ नहीं होने वाला। आज की बात कीजिए, क्या प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना के लिए तैयार है? नहीं, वो खुलेआम मना कर रहे हैं।
वो तैयार नहीं है। साथ में मैं आपको बताऊँ, ये आरक्षण की बात कर रहे, हम सपोर्ट में हैं। देखिए, अगर संविधान का उल्लंघन करना इनसे सीखिए आप। आप बताइए मेरे को कि 10% आरक्षण कौन से संविधान के पेज में आता है, मेरे को एक पेज आप बता दीजिए कोई यहाँ पे इतने खड़े लोगों में से कि ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई ये आर्थिक आधार पे आरक्षण देने वाले हैं। कौन से आधार पे दिए इन्होंने? चलो उसके लिए भी इनको 2 साल मिले। इन्होंने कौन सी जनगणना कर ली, कौन सा आर्थिक जनगणना कर ली? इसके पहले तो कभी हुई नहीं थी, कांग्रेस ने तो कभी की नहीं, बीजेपी ने कभी की ही नहीं, तो इन्होंने कौन से आधार पर इनको आरक्षण दे दिया? आज ये बोलते हैं आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए, पुराने आंकड़ों पे कैसे दे? अरे जो चल रहा था उसको रहने देते, खत्म क्यों किया यार? कांग्रेस ने कभी खत्म तो नहीं किया ना, इन्होंने तो खत्म ही कर दिया, जड़ से काट के फेंक दिया पेड़ को। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बहुत काम किया। ओबीसी आरक्षण की देखिए, ओबीसी आरक्षण देने से ही विकास हो जाएगा क्या? यदि 70 साल से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मैं सुनिए से आप विषय वही तो बता रहा हूँ मैं, 70 साल में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कांग्रेस ने आरक्षण दिया, कांग्रेस ने आरक्षण दिया, उस वर्ग का कितना विकास किया कांग्रेस ने? केवल आरक्षण के दम पर हम उस समाज वर्ग का विकास कर देंगे, ये कोरी कल्पना है। देखिए, सामाजिक उत्थान और सामाजिक विकास ये करना पड़ेगा। बाद आप केवल आरक्षण के माध्यम से, आप यही चाहते हैं ना कि आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इस ओबीसी वर्ग को, तो मैं यही कह रहा हूं कि बगैर आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया बगैर आरक्षण के। तो आप आरक्षण क्यों कर रहे हो? बगैर आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। सर, कितने राज्यों में सरकार आपकी? 16। कितने आदिवासी, कितने अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बनाए आपने? देखिए, मुख्यमंत्री कितने बनाए आपने? मैं वही नहीं कि वो आप विषय को गलत दिशा में डाइवर्ट कर रहे हैं, गलत दिशा। अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री आदिवासी कितने बनाए? हमने छत्तीसगढ़ में बनाया था आदिवासी वर्ग से, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जिनके, हमने छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल इलाका है। देखिए, अनुसूचित जाति का कोई ऐसा बहुल राज्य है नहीं, बहुलता नहीं है ना। अच्छा। बहुलता नहीं है ना, इतनी बहुलता नहीं है। और कुछ? हाँ, और विधायक चुनने का काम लेजिस्लेटिव पार्टी, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो तय करते हैं। क्या कहना चाहोगे सर? जैसे हमारे मनोज भाई ने बोला है, कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को कुछ नहीं दिया, अरुण यादव को केंद्र मंत्री बनाया, क्या ये हमारे ज्ञानेश्वर दादा को केंद्र मंत्री बनाएंगे? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए, अनेक मंत्री ओबीसी वर्ग के, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो कोई ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी भाजपा? अनेक है। अरविंद भदौरिया प्रदेश अध्यक्ष के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं, बाकी उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए। तो हमारे भाई जैसे बोल रहे हैं, तीन मुख्यमंत्री में है। इनको आरक्षण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी, भाई साहब एक मिनट, जब भी आरक्षण क्यों चाहिए आपको बताऊं मैं, अगर गांव में किसी सरपंच का चुनाव हो रहा है, वहां पे सामान्य सीट आती है, 2 ब्राह्मणों के घर है, तो वो खड़ा रहता है क्यों? उस समय ओबीसी 95% होने के बाद में उसको मौका नहीं मिलता, ये बात क्यों नहीं रखते? ये बात को आप समझेंगे? मतलब उसी ने लड़ना चाहिए, वो पारंपरिकता से ठाकुर ब्राह्मण वहां पे राज करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ओबीसी का राज है, ओबीसी राज करेगी। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे सर जाति की जनगणना के बारे में? सर देखिए कि हमारे बीजेपी के महामंत्री ने जिस तरह से कहा, ये जिम्मेदारी ले नहीं रहे क्या? ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, हमने किया, तो ये नहीं बता पा रहे कि हमने क्या किया। ये आरक्षण के खिलाफ है, इन्होंने खुद साबित कर दिया आरक्षण के ये खिलाफ है। आप देखिए कि ये आरक्षण खत्म करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि समानता का अधिकार देना चाहते हैं सभी को। तो पहले 1947 से आज़ादी के बाद अभी तक के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोगों को, इनको शिक्षा से वंचित किया गया। अगर ये शिक्षा से वंचित नहीं होते तो जाहिर सी बात है आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वंचित रखा गया इसलिए आरक्षण की आज इन्हें ज़रूरत पड़ी है और देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करेगी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण देगी, ये हमारी प्राथमिकता है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहूँगा जनगणना के बारे? देखिए, जातिगत जनगणना के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि देखिए एक चिंगारी लगाई थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, 1940 जो लागू होना चाहिए, धारानुसार लागू होना चाहिए, और अगर वो लागू हो गया तो उसमें ओबीसी को
वास्तव में फ़ायदा होगा, जनगणना जो जातीय जनगणना है उससे फ़ायदा होगा। और मैं कहता हूँ सब मुमकिन है। कई बार मैं नारे सुने थे समाज सेवी व्यक्ति हूँ शिक्षक हूँ, ऐसे नारे बड़े बड़े पड़े थे कि मोदी है तो मुमकिन है। सीधी सीधी बात की जो पक्ष सत्ता पक्ष में है उसके तो हाथ में रहता है सब कुछ, फिर क्यों नहीं लाया जा रहा है, क्यों हम पिछड़ों को इससे वंचित रखा जा रहा है। तो मेरा वही कहना है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए ओबीसी की, और यह होने से फ़ायदा ये होगा कि सही जगह सही व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा और सही कप्तान मिलेगा। क्योंकि जब तक यह आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, 52 आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ओबीसी वंचित रहेगा और इन चंद नेता और राजनीतिक पार्टियों की यह कठपुतली बना रहेगा। इसलिए एक बार और मैं उसके पक्ष में हूँ कि जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या कहना चाहूँगे सर? जातिगत जनगणना हमारे देश में होना चाहिए। 1947 से जो भी राजनीतिक दल की केंद्र सरकार हुई उन्होंने आज तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? क्योंकि जितने भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, चाहे जो कांग्रेस पार्टी के व्यक्तियों द्वारा कहा गया, भाजपा के द्वारा कहा गया, आम पार्टी द्वारा कहा गया, कि जब जब भी हमारी सरकार रही, चाहे राज्य में रही केंद्र में रही, कि हमारे ओबीसी वर्ग के इतने मुख्यमंत्री बने, इतने विधायक बने, लेकिन उन विधायकों ने कभी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की बात सदन तक पहुँचाई नहीं, या सदन में उन्होंने कभी आवाज़ बुलंद अपने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के प्रति नहीं की, क्योंकि वो अपनी पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उससे बाहर जाते ही नहीं है। और जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो हमारे देश पर आज भी राज कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे पिछड़ा वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति सजगता और जागरूकता आएंगी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ सर, क्या कहना चाहूँगा? देखिए, हम जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस पहले भी तैयार थी, और सबसे पहले कांग्रेस ने ही कराई थी और आगे भी कांग्रेस ही कराएगी इसको। हाँ, उसके बाद कांग्रेस ने नहीं कराई ना, बीजेपी ने कराई, दोनों। देखिए, सत्ता पक्ष में होना, उसके बाद में किसी चीज को उसमें और डेवलप करना या ना करना, ये परिस्थितियों पर मुमकिन करता है, लेकिन उसको और घटाना ये सरकार के हाथ में रहता है। देखिए, कांग्रेस ने भले ही उसमें प्रोग्रेस ना कर पाई हो, लेकिन उसे कमज़ोर करने की कभी कोशिश नहीं की, चाहे वो ओबीसी हो, एसटीएससी हो, या किसी भी पक्ष का। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। कुछ वर्षों पहले एसटीएससी के आरक्षण पर एक मुद्दा लाया था कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रताड़ित होता है, अगर थाने में, पुलिस थाने में जाता है, तो उसमें संशोधन लाया था। लेकिन जब ये भाजपा सरकार का विरोध हुआ, उन्होंने तत्काल उसे वापस लिया। एक और बिल जो संविधान के अंदर, भूमि अधिग्रहण बिल, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसान की भूमि किसान के लिए ही और उसकी मर्जी से रहेगा, इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाकर उन पर भी कब्जा करना चालू कर दिया। ये अपनी मर्जी से संविधान में चेंज करते हैं और फिर खुद ही आके बोलते हैं कि हम किसानों के पक्ष में हैं, पिछड़ों के पक्ष में। भाई साहब, दो मिनट आप भी बोल लीजिएगा, बिल्कुल मौका दिया जाएगा आपको। आप सत्ता पक्ष के हो ना, बिल्कुल मौका मिलेगा आपको। मैं बस दो मिनट अपनी बात खत्म कर लूं। मामला ये आता है कि संविधान में चेंज भी यही करते हैं और खुद कहते हैं कि हमने संविधान में चेंज करके अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर दिया। बात रही पिछड़ों की और मध्य प्रदेश की, तो इसमें बता दूं, आदरणीय अरुण यादव जी का इन्होंने जिस प्रकार से नाम लिया है, आदरणीय अरुण यादव जी को मध्य प्रदेश में 3 मंत्री थे केंद्रीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कमलनाथ जी और अरुण यादव जी, जो पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से सम्मानित किया गया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से सम्मानित किया। बात रही कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, तो मैं इन्हें बता दूं कि अरुण यादव जी को टिकट हो चुका था। उन्होंने अपने निजी कारणों से खुद ट्वीट करके यह कहा है कि अपने निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसके साथ में पूरी तरीके से खड़ा हूँ। तो ये क्या इन्हें अधूरी जानकारियाँ रहती है? उस पर ही सुभाष यादव जी, मेरी एक बात सुन लीजिए, आज सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे चुके हैं, आज पिछड़ों के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया है। संतुलन बनाए रखना चाहिए, किसी भी चीज को कम नहीं करना चाहिए। भले ही हमने उन्हें मुख्यमंत्री ने बनाया, लेकिन उप मुख्यमंत्री दिया। आपने आज तक किस चीज के लिए पिछड़ों के और एसटीएससी का साथ दिया, यह बताइए। उन पर अधिकारों का हनन किया, जब उनका विरोध हुआ तब आपने उनको संविधान को वापस लिया, यह आपकी पॉलिसी है। आज उत्तर प्रदेश में इतने दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी एक शब्द नहीं कह रही। आपके नेता के मंत्री गाड़ियों से उन्हें कुचल दे रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। यह इनकी दोगली राजनीति है। और बात रही मध्य प्रदेश की, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण अपनी तरफ से देने का बोला, तब इनके मंत्री बयान लेने के लिए आ जाते हैं कि हाँ हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे।
तो पहले कहाँ गए थे? यही बात है इनकी, दोगली राजनीति किस प्रकार से की जाती है और कांग्रेस के पथ पर कैसे चला जाता है कि कांग्रेस किस तरह से संतुलन बना रही है, ये इनसे सहन नहीं होता है। हम आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, हम हमारे कांतिलाल भूरिया जी, आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन है यूथ कांग्रेस का? एक आदिवासी विक्रांत भूरिया जी प्रदेश अध्यक्ष है, आदिवासी नेता है जो आदिवासियों के लिए लड़ते हैं। बताइए इन्होंने आज तक किसी आदिवासी को आज तक इन्होंने इतना बड़ा पद दिया है क्या? बताइए मुझे, नहीं बता सकते क्योंकि इनके पैरों तले से जमीन खसक रही है, झूठ के आंचल पे इनके पर्दे बिछे हुए हैं। ये मैं आप यही कह सकता हूँ, ये आज तक नहीं बता सकते कि किस आदिवासी को आज तक इन्होंने बड़ा पद दिया है। जमुना देवी का मुख्यमंत्री, जमुना देवी जी हमारे लिए सम्मानित थी, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, 3 दिन का राष्ट्रीय प्रदेश का शोक मनाया गया और वो आज भी हमारे लिए सम्माननीय है, ये बताए हमारे लिए। और पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की सबसे मुद्दा, पिछड़ों का प्रदेश अध्यक्ष कौन है इनका? आज तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं साबित कर पाए, बताइए मध्य प्रदेश का पिछड़ प्रकोष्ठ का अध्यक्ष कौन है? चलो बहुत सारी चर्चा हो गई, एक दूसरे राजनीति पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही कि पिछड़ों ने उसका उद्धार किया और उन्होंने उसका उद्धार किया, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि इस देश के अंदर संविधान का ही राज नहीं आया, कभी कांग्रेस का राज आया, कभी भारतीय जनता पार्टी का राज आता है। जिस दिन इस देश के अंदर भारत का संविधान का राज आएगा तो उस दिन इस देश में किसी को भी हक अधिकारों को लड़ना नहीं पड़ेगा, संविधान का राज आना वो जरूरी है। हमारे साथ में वामन राव सजानी जी, सर पूरी विस्तारपूर्वक आपने चर्चा सुन ली है, जिस प्रकार से SC ST का जो बिल उस पर संशोधन किया गया था जिसको लेकर पूरे देश में 2 अप्रैल को पूरे लोग दलित संगठन के लोग पूरे सड़कों पर आए थे, जिसमें हमारे 18 लोगों ने शहीद हुए, जिनकी शहादत हुई, उन लोगों को मैं सलाम करूंगा, क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर जिस समय SC ST के जो सांसद 129 सांसद है, 1100 MLA, लेकिन एक भी ये उस मुद्दे को बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन इसलिए बाबा कांशीराम साहब ने भी कहा था और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे समाज में नेता कम और दलाल बड़े ज़्यादा पैदा हो गए। तो ये SC ST के जो सांसद है ये समस्या के समाधान नहीं करते, इसका कारण ये है कि आज हम संघर्ष और जो मुद्दों की अगर बात कर रहे, अगर नेता लोग ही अगर इस मुद्दों की अगर लड़ाई लड़ लेते तो आज हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर क्या कहना चाहूँगे? ना एक बार मैं वामन राव ससाने लॉर्ड बुद्धा चैनल को साधुवाद देता हूँ, चर्चा बहुत गहन और गंभीर विषय पर थी, निश्चित रूप के इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। हमारे जो भाई लोग भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टियों से थे, उन्होंने पार्टियों के विरुद्ध बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक निश्चित विश्वास है कि आने वाले दिनों में आरक्षण, OBC को आरक्षण न मिलना, OBC की जाति निहाय जनगणना, इसके बारे में बहुत अध्ययन करेंगे और जिस दिन यह अध्ययन कर लेंगे, हमारे कांग्रेस के हो, आम पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, बहुजन मुक्ति पार्टी के हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दलों से जो लोग हमारे यहाँ पर पधारे और जिन साथियों ने यहाँ पर बहुत अच्छा सहभाग किया, बहुत अच्छे सब्जेक्ट डालने की कोशिश की, कई ऐसा लगा कि वो लोग भी अध्ययनरत है और जो विषय बताया मैंने कि OBC की जाति निहाय जनगणना साधारण विषय नहीं है। 1931 के बाद में OBC की जाति निहाय जनगणना हुई या नहीं हुई, ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। 1941 में जाति निहाय जनगणना हुई कि नहीं हुई, ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। आज़ादी के बाद में 1951 में क्या हुआ, ये जानने की ज़रूरत है। हमारे साथी लोग निश्चित रूप से इस बात का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा आज पहला कदम था, बहुत अच्छी दिशा में चला है और चाहे वो मेरा साथी, मेरा भाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, अन्य कोई भी राजनीतिक दल में हो, वो निश्चित रूप से आज OBC के बारे में सोचेगा, अपने इतिहास में जाएगा, इतिहास का अध्ययन करेगा और आने वाले दिनों में निश्चित अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलेगा। जहाँ तक सवाल है ये अध्ययन का ही विषय है कि हमारे इतिहास के बारे में जानकारी ले, इतिहास के बारे में जानकारी ले और इसी के साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इसी विषय पर, हेलो, हाँ, तो मैं इस विषय पर बोलने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, इस विषय पर बोलने के लिए हमें पूरा फैक्ट समझना पड़ेगा।
हमें पुनः पैक समझना पड़ेगा, हमें ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का विषय समझना पड़ेगा। ये विषय बहुत गहरे है। पहली बात तो ये है कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी किताब पढ़ना पड़ेगी, जो कि हमारे कुछ साथियों के लिए संभव नहीं है। पढ़ सकते हैं, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन जब जब बाबा साहब को पढ़ेंगे, पाओगे कि बाबा साहब ने सर्वप्रथम तुम्हारे लिए कुछ करने का प्रयास किया है। ओबीसी के लिए बाबा साहब ने कितनी अच्छी सोच थी कि ये बहुत बड़ा तबका है, उनके लिए पहले सोचा 340 कलम जो है संविधान की, वो निश्चित रूप से ओबीसी के लिए बाबा साहब ने SC ST के पहले डाली, उस पर इतनी चर्चा हुई है। संविधान में कलम 340 डालने के ऊपर जो चर्चा हुई है, ये चर्चा यदि हमारे ओबीसी भाई कभी सुन लेंगे, मेरे ख्याल से समझ आ जाएगी। SC ST को आरक्षण देने के लिए धारा 341 धारा 342 डाली गई, इतनी चर्चा नहीं हुई, देने दो। ओबीसी को देने के लिए बहुत चर्चा हुई है, उसके ऊपर बहुत सारे किताबें लिखी गई है, वो किताबें वो चर्चा पढ़ना जरूरी है। वो बहुत बड़ा गहन विषय है, गहन विषय हो, और उस गहन विषय का अध्ययन निश्चित रूप से हमारे ओबीसी के साथी लोग जो है वो अध्ययन करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरे शब्दों को विराम देने से पहले अभिनंदन करता हूँ हमारे ओबीसी साथियों का, जो ओबीसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। कहना हो जाएंगे ओबीसी जाति जनगणना के बारे में। देखिए, ओबीसी जातीय गणना, ये प्रश्न तो निर्माण ही नहीं होना चाहिए था। जब शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया, किसकी गणना की थी? बहुत सादा विषय है। शाहू महाराज ने जब आरक्षण दिया, किसके गणना की थी? आज अभी ये राजकीय पृष्ठभूमि में मुझे जाना नहीं है। जिस वक्त इस भारत के अंदर ही 52% ओबीसी है, तो टिकट तो ओबीसी को ही देना पड़ेगा, नहीं तो किसको दोगे? वोट क्या पाकिस्तान में जाके मांगोगे? ये विषय है, सामाजिक संगठन के रूप में हमने लेना नहीं चाहिए, परंतु जब ये प्रक्रिया या प्रतिक्रिया आती है तो ऐसे विषय लेना पड़ते हैं। उसने नहीं किया इसलिए तो उसको भगाया, ये कब तक के चलेगा? उसने नहीं किया, आज मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, ये सोच कब आएगी? ये सोच जब आएगी जब हम उनको प्रेशराइज करेंगे। 10% वालों ने कितना प्रेशराइज किया था मंडल कमंडल के समय, जिन लोगों ने अपने आप को जला लिया वो ओबीसी का नहीं था, वो एक चित्र निर्माण किया गया था, भाई मेरे हित के विरोध में मैं ही विरोध कैसे कर सकता हूँ, ये सोचने की बात है। जातीय गणना जिस दिन में हो जाएगी उस दिन संविधान इस भारत में लागू हो जाएगा, और 75 साल में आज तक के किसी ने भी संविधान लागू कर भारत का कोई भी कार्य हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये सुचारू रूप से कार्यरत नहीं हो रही है और चल नहीं पा रही है। मनमानी कारोबार चालू है, जब तक ये कारोबार चलेगा ऐसा हम पिछड़ों का दमन होते रहेगा। अगर पिछड़ों को दमन अगर हमको रोकना है, ये जातंद प्रवृत्तियों को अगर हमको रोकना है, ये जो डिबेट वगैरह आजकल के जो चल रहे हैं, ये तो सब हमको तो इसको टीवी को तो ओपन ही नहीं करना चाहिए। आज परिस्थिति इतनी भयावह है, इतनी विदारक है कि वो यूक्रेन और रूस और ये और वो, ये विषय से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं हमारा उससे। आज मेरे भाई का गेहूँ 21 रुपया जा रहा है और आटा 35 रुपया किलो बिक रहा है, ये सबसे बड़ी हमारे साथ में शर्मिंदगी की बात है। यानी गेहूं ओबीसी का और आटा किसका? मनुवादियों का। यानी पीसा कौन गया? ओबीसी। इसको रोकना है तो हमको जागरूक होकर ओबीसियों को इकट्ठा कर जन जागृति लाना पड़ेगा, और अभी 52% का जैसा बताया गया है उसकी शुरुआत हमको करना पड़ेगी। 52% के सिवाय पर्याय नहीं है भारत में अब हमको, क्योंकि 2.5% को जब 10% मिल सकता है तो 52 को तो 52 मिलना ही चाहिए,
जय जिदाऊ, जय शिवराय। सर क्या कहना चाहोगे अंत में? मैं यही कहना चाहूँगा सर जी कि मेरे अपने जो ओबीसी भाई है वो जागना चाहिए, और वो जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन ये देश में जो नकली लोग बैठे हैं यहाँ, जो मठाधीश बैठे हैं, वो नीचे आ जाएंगे, उनका चित्र बदल जाएगा। और आज हमारा ओबीसी जिस दिन जाग जाएगा उस दिन ये देश की सत्ता उनके हाथों में जाएंगे, यही मैं बोलता हूँ सर जी। और आप यहाँ पर सभी लोग आए, इनका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लाल बुद्धा प्रति के मैं आभार व्यक्त करता हूँ, लाल बुद्धा प्रति की जय भीम जय भारत। ये तमाम चर्चा हमने करी, वंचित लोगों के मुद्दों की आवाज़ हम अक्सर उठाते रहते हैं, और ऐसे जलन मुद्दों को लेकर अक्सर हम लॉर्ड ऑफ द चैनल पर आते रहेंगे। ये तमाम जो साथी लोग बीजेपी कांग्रेस सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पधारे चर्चा के लिए, इनका मैं लॉर्ड ऑफ द चैनल तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये वो लोग हैं ओबीसी के लोग जो अन्य अन्य पार्टी में, लेकिन ये जिंदा दिल लोग हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर बोलने को तैयार तो है, लेकिन जो सांसद एमपी एमएलए बने वो इस पर अपनी जबान तक खोलने को तैयार नहीं है, ओबीसी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तमाम लोग आज इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए, और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई। ये तमाम चर्चा के आधार पर मेरी एक ही बात सामने आ रही कि अगर ओबीसी का आरक्षण अगर खत्म हुआ है तो ओबीसी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ओबीसी ने आरक्षण के हक और अधिकारों के लिए जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं, ना ही कभी उन्हें संघर्ष किया। वो लड़ा संघर्ष, मंदिर के लिए लड़ा, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ा, मंदिर बना, मंदिर ट्रस्ट बना, तो ओबीसी का एक भी आदमी को उस ट्रस्ट में नहीं रखा। तो तमाम वो जय सियाराम के नारे, मंदिर मस्जिद, तमाम ये जो गतिविधि है उस गति में वो लिप्त रहा। अगर हक अधिकारों के लिए अगर लड़ लेता तो आज हमको इस चर्चा करने का मौका नहीं मिलता, ना ही हम चर्चा कर पाते, क्योंकि उनको ऑलरेडी संवैधानिक अधिकारों के लिए वो लोग संघर्ष करते। लेकिन वो और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ओबीसी आज भी संविधान समझ ले और संवैधानिक अधिकारों के लिए वो संघर्ष करेगा, और ये ऐसे मुद्दों को लेकर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपके बीच में आते रहेगा। मेरे सहयोगी साथी सुरेश वानकर के साथ में मैं अनिल सोले, मध्य प्रदेश से, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल।